हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे डाटा लोन ऐप्स के बारे में। रियल है कि फेक है, फेक है कि रियल है। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा गूगल पे सर्च करते होते ये रियल है कि फेक है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन रियल है कि फेक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप लोन लेना चाहते हो कोई भी अच्छा एप्लीकेशन से, तो गाइस देखो लोन का मतलब क्या होता है। आज मैंने लोन लिया, एक महीने के अंदर मैंने लोन लिया 10,000 का, तो मेरे को EMI का ऑप्शन कब मिलेगा? एक महीने के बाद मिलेगा, दो महीने के बाद मिलेगा, तीन महीने, तीन तो अलग अलग रीपेमेंट का ऑप्शन रहेगा। लेकिन ये सब एप्लीकेशन 7 दिन के अंदर ही आपसे लोन का रीपेमेंट मांगना शुरू कर देते हैं। इसमें आप अगर नहीं दोगे ना, तो ये आप लोगों को हैरेसमेंट करेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप वगैरह में। तो लेकिन डाटा लोन ऐप्स के बारे में रिव्यू करने से पहले, आप सभी को एक अच्छा बेस्ट और लाइसेंस थ्रू कंपनी RBI NBFC में रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशंस आपको 1,000 से लेकर 15,000 तक लोन सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू देगी सिर्फ। और गाइस, मैंने पर्सनली इससे 5,000 का लोन लिया है। मेरे को तीन महीने का टाइम दिया था कि आप धीरे धीरे इसका पैसा आप रिटर्न कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, मैंने पर्सनली ट्राई किया, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई सिबिल अच्छा हो या ख़राब हो, आपको लोन मिल सकता है, बाकी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। बात करते हैं डेटा लोन ऐप्स के बारे में, रियल है कि फेक है। तो डेटा लोन एप्लीकेशन गाइस एक फेक एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, एक फेक एप्लीकेशन से अगर आपको यहाँ से लोन मिल चुका है, तो आपको 7 दिन के अंदर ये लोग परेशान करना शुरू कर देंगे और आपको बताएंगे कि आपको इतना पैसा इतना टाइम के अंदर नहीं दोगे, तो आपके फैमिली मेम्बर को ये फ़ोन करेंगे, गाली देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, और आपका फ़ोटो सर्कुलेट करेंगे पूरे फैमिली मेंबर को। तो मेक श्योर दोस्तों, बचे ऐसे ऐप से। मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके लोन लो। वो बेस्ट ऐप से NBFC RBI में भी रजिस्टर्ड है और आपको 5% मंथली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन लिंक डिस्क्रिप्शन पे, बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना।